तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो थर्मास्टेट का हाई ऑटो कट होता है इस पे यहाँ सामने ब्लैक सा पॉइंट दिख रहा है, जो ये ओवर हीट होता है तो ये कट ऑफ हो जाता है, इसके बाद इसको प्रेस करना होता है। और दोस्तों ये बाहर की तरफ नहीं निकला होता, अंदर ही गीजर के अंदर होता है। और दोस्तों इसमें न्यूट्रल फेस दोनों निकलते हैं, जब ये कट ऑफ होता है तो न्यूट्रल फेस दोनों बंद हो जाते हैं, यानी कि जब ये कट ऑफ हो जाएगा तो कोई भी इंडिकेटर नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों अब इसको आप चेक करेंगे किस तरह काम करता है, और अभी मैं इसको कट ऑफ करके दिखाऊंगा आपको, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा ये किस तरह काम करता है। तो दोस्तों होता क्या है, कई बार जब हमारा ये वाला ऑटो कट देख रहे हैं आप, जो सेट करने वाला होता है, जिसको हम कम ज़्यादा कर देते हैं टेम्परेचर को, इसके बाद जब वो काम नहीं करता तो ये हाई ऑटो कट होता है, जब मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो ये काम करता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने सामने मोमबत्ती जलाई हुई है और जो इसका आगे का पॉइंट है वहाँ पर मैं इसको गर्म करूँगा, और जैसे ही गर्म हो जाएगा मतलब जो टेम्परेचर इसका सेट है उसके हिसाब से, जब ये गर्म हो जाएगा तो ये कट ऑफ हो जाएगा, और ये इंडिकेटर यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है आपको दिखाने के लिए, तो ये इंडिकेटर यहाँ पर बंद हो जाएगा। और दोस्तों होता क्या है कि जैसे अब देखो मैं गर्म कर रहा हूँ इसको, और गर्म करने के बाद ये बंद हो जाएगा। अभी देखें आप, थोड़ा इसको और नज़दीक करूँगा ताकि जल्दी कट ऑफ हो जाए, और जब ये कट ऑफ होगा तो हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कंडीशन होती है कि अगर आपका मतलब टेम्परेचर इसका बहुत पानी का जो बहुत ज़्यादा गर्म है और आप उसको बार बार दबा रहे हैं तो तुरंत वो नहीं दब पाएगा आपको, इसमें आपको थोड़ा सा मतलब पानी निकालना होगा इसका, और जब वो पानी ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप प्रेस करेंगे तब जाके ये काम करेगा। तो दोस्तों अभी मैं इसको और नज़दीक करता हूँ, अभी ये गर्म नहीं हुआ। जो इसका टेम्परेचर है, मतलब एक तो ऑटो कट होता है जिसको हम टेम्परेचर सेट करते हैं, वो तो उसका काम होता है कट ऑफ करना, और इसका काम यह होता है कि जब वो काम छोड़ जाता है मतलब वो काम नहीं करता तो उसके बाद ये काम करता है, और ये काम करता है तो मतलब ये कट ऑफ हो गया तो इसके बाद ये ऑन नहीं होगा, जब तक आपको खोल के ढक्कन उसका तब ये प्रेस करना होगा। दोस्तों अधिकतर ये बजाज के गीजर में आता है, और जितने भी कंपनी के गीजर होते हैं उन सब में अधिकतर ये आता है। और अब भी देखो आप, ये कट हो चुका है, और इसके बाद दोस्तों मैं इसको थोड़ा दूर हटा दूँगा, और जैसे ये ठंडा होगा मैं इसको प्रेस करूँगा यहाँ पर इस नॉब को, ब्लैक्सी को आप देखें, मैं पॉइंट पर जब इस पर टच करूंगा और इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका इंडिकेटर चल जाएगा। दोस्तों इसको मैं थोड़ा दूर हटा देता हूँ जो आपको देखने में परेशानी नहीं आए। मोमबत्ती को मैंने साइड में हटा दिया, अब ये ठंडा हो गया होगा और अब हम इसको प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें, जैसे ही मैं बटन दबाऊँगा तो ये इंडिकेटर आपका जल जाएगा। दोस्तों इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आपका ये इस तरह काम नहीं कर रहा है तो आपको ये नया चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अभी इसको प्रेस करूँगा, और प्रेस करते ही ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसको दबाया ये ऑन हो गया, इसके बाद मैं इसको दोबारा कट ऑफ करके आपको दिखाऊँगा। और दोस्तों होता क्या है, जब ये कंटिन्यू मतलब पानी इसका गर्म रहेगा कंटिन्यू, और आप इसको प्रेस करेंगे तो ये प्रेस नहीं होगा जब तक वो पानी ठंडा नहीं हो। तो दोस्तों इसका एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूं, और मैं इसको धीरे धीरे करके और इसको मोमबत्ती को इसके टच कर दूंगा, और दोस्तों जैसे ही ये गर्म होगा तो ये कट ऑफ हो गया। और दोस्तों जैसे मैं इसको हटाऊंगा थोड़ा सा दूर, और अब मैं इसको प्रेस करने की कोशिश करूंगा, दोस्तों ये प्रेस हो रहा है लेकिन ये रुक नहीं रहा है। तो दोस्तों जब तक ये ठंडा होगा उसके बाद ही ये काम करेगा, दोस्तों अभी नहीं रुक रहा है, वहाँ से जब ये ठंडा होगा तभी ये रुकेगा। तो दोस्तों इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका हाई ऑटो कट काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अब ये ठंडा हो गया होगा, अब मैं इसको प्रेस करूँगा और अब ये रुक जाएगा। तो दोस्तों ये रुक गया, इस तरह आप अपने ऑटो कट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी जानकारी चाहिए या फिर किसी चीज़ के बारे में जानना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे और आपको समझा देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।